इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपीएससी एनडीए या सीडीएस की आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है फोटो और सिग्नेचर और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि इसमें जो साइज डायमेंशन मांगी गई है 350x350 के डायमेंशन मांगी गई है, कम से कम 20 KB की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 300 KB की साइज होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में इसे अपलोड करना है। इसे रीसाइज करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे अगर आप रीसाइज करेंगे तो यहाँ से आप प्रॉपर रीसाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि आपको ये प्रोसेस कैसे करना है, में जाके करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि अपने फोटो और अपने सिग्नेचर को आप कैसे रीसाइज करेंगे और उसके बाद कैसे अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर आपके बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे होने चाहिए, नहीं तो आपकी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आप कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो मोबाइल के लिए बहुत सारी एप्स आती है, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप रीसाइज करेंगे। डायमेंशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जहां पे अपना फोटो रखे हैं वहां पे जाना है। ये मैंने फोटो आपको एग्जांपल के रूप में यहां पे रखा है, इसको हम रीसाइज करके आपको लाइव अपलोड करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले फोटो की यहां पे हम साइज चेक करते हैं। फोटो की जो साइज है वो बिल्कुल प्रॉपर यहां पे देखे, डायमेंशन और साइज बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहां पे आपको आना है, अपने फोटो को सिलेक्ट करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है, इसके बाद ओपन विद करके पेंट के ऑप्शन में इसे ओपन कर लेना है। तो रीसाइज करने के लिए आपको यहां पे एक बटन मिलेगा रीसाइज का, यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे देखिए रीसाइज का ऑप्शन मिल रहा है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप की तरह पेज शो होगा, यहाँ पे देखिए आपको डायमेंशन चेंज करना है। उससे पहले यहाँ पे आपको पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे साइज कितना मांगा गया है 350 यहाँ पे लिख लेना है। 350 जब आप लिखेंगे तो बगल की जो साइज है वो ज्यादा हो जा रही है, इससे भी हमको रीसाइज करना है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ा हुआ है एक साथ, तो यहाँ पे हमको एक बार क्लिक करना है अपने माउस पॉइंटर से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जुड़ा जो रहेगा वो हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 350 लिख सकते हैं, इसमें 350 और 350 दोनों की साइज हो चुकी है। करना क्या है, यहाँ डायरेक्ट ओके के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये दोनों फाइल की जो साइज है 350x350 हो चुकी है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी साइज मिल चुकी है, 38 KB की साइज हो चुकी है। जब हम इसे सेव करेंगे तो हो सकता है इसकी साइज जो है वो बढ़ जाए। अब इसकी साइज 42.8 हो चुकी है। अब अगर आप अपने फोटो में डेट और अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ए के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इसको हमको साइज में कर लेना है। यहाँ पे हम चलिए इसका साइज 50 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो अपना नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैकग्राउंड में भी कर लेंगे तो बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसे हमको एडजस्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ या जिस डेट में आपने फोटो खिंचा है वो आप इसमें लिख के एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते इसलिए हटा दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं। अब सेव होने के बाद एक हमारी फाइल की जो साइज है वो हो चुकी है, यानी कि फोटो हमारा हो चुका है अब एडजस्ट। अब हमको क्या करना है, सिग्नेचर की भी साइज को रीसाइज करना है, सेम प्रोसेस करना है, पेंट में जाना है। इसके बाद इसकी भी साइज को यहाँ से हम रीसाइज कर लेते हैं, पिक्सल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले 350 ही से कर लेते हैं। एक हमारा 350 हो चुका है, दूसरे को भी 350 करना है, ये भी हमारा हो चुका। अब यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए 20 KB से कम नहीं है, 20 KB से कम रहेगा तो आप फोटो को अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपलोड चलिए करते हैं। अपलोड के लिए चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप अपना फोटो सेव किए हैं वहाँ पे जाना है, अपने फोटो को सिलेक्ट करना है, इसके बाद ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इसे ही हम अपलोड कर ले रहे हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। सारे डिटेल्स को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे देखिए बिल्कुल लाइव यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, कोई भी बटन को क्लिक नहीं कर रहे, ना ही कहीं रोक रहे हैं, आपको ये लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं। जैसे ही अपना साइज बिल्कुल रीसाइज करके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल प्रॉपर 100% मेरी गारंटी है। अगर रीसाइज कर लेते हैं तो अपलोड कर लेंगे। तो अगर आपका ऐसा कुछ समस्या आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख के बिल्कुल आसानी से अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम यूपीएससी एनडीए और सीडीएस के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये समस्या जो है यूपीएससी एनडीए और सीडीएस में ही आती है। तो ऐसा समस्या है तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल का इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।